लफ्ज जिहाद हिंदुत्ववादियों द्वारा बनाई गई एक इस्लामोफोबिया की साजिश है। इस मनगढ़ंत साजिश के अनुसार मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित करने के लिए प्रेम प्यार का दिखावा, धोखे, अपहरण और शादी जैसे तरीकों से लुभाते हैं। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द लव यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद, जिसका मतलब होता है कि किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना। यानी जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। अब ऐसा ही एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं साक्षी शर्मा के साथ। लखनऊ से लव जिहाद का चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई रोता बिलखता मोहनलालगंज थाने में पहुंचता है। उसने बताया कि दूसरे धर्म का युवक उसकी नाबालिग बहन को लेकर फरार है। पीड़ित भाई का आरोप है कि युवक ने खुद को हिंदू बताकर उसकी बहन से दोस्ती की। वह हाथ में कलावा और माथे पर टीका भी लगाता था। कुछ दिन बाद दोनों की दोस्ती और ज्यादा बढ़ी, फिर उनके बीच अफेयर शुरू हो। बाद में बहन को पता चला कि उसका प्रेमी हिंदू नहीं। उसे झटका जरूर लगा, लेकिन उसके साथ अफेयर खत्म नहीं किया। धीरे धीरे युवक उसे हिंदू धर्म के खिलाफ करने लगा। वो लड़की को कहता कि अपने घर से हिंदू देवताओं की तस्वीरें हटाएं। बाद में वो उसे हिजाब पहनकर नमाज पढ़ने का दबाव भी बनाने लगा। कहने लगा कि तुम इस्लाम धर्म को फॉलो करो तभी मैं तुमसे शादी करूंगा, और अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे मार दूंगा। लड़की उसकी बातों में आ गई। वह अपने घर में चुप चुप कर नमाज पढ़ती। लड़के को यकीन दिलाने के लिए नमाज पढ़ते हुए वो उसे वीडियो भी भेजती, क्योंकि लड़का उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता। लड़की के भाई ने बताया कि पहले हमें कुछ दिन तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे हमें बहन के व्यवहार में काफी बदलाव देखे। वो हमेशा अपना कमरा बंद रखती थी। जब हमने उसके कमरे की तलाशी ली तो हमें वहां से मुस्लिम धर्म की किताबें और हिजाब मिला। ये देखते ही हमारे होश उड़ गए। तब लड़की ने हमें सारी बातें बताई, लेकिन वो पूरी तरह से उसके बहकावे में आ गई थी। वो अजीब सी बातें करने लगी। वो पिछले 40 दिन से नमाज पढ़ रही थी। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। फिर 17 सितंबर से वह गायब है। वहीं लड़का उसे अपने साथ भगा कर ले गई। लड़की न तो फोन उठा रही है और न ही किसी से बात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।